बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माई चैनल स्टोरी लैंड ऑफिशियल एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द न्यू मेंबर्स हू हैव रिसेंटली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, कमेंट, क्यूरीज एंड सजेशंस। आई एम उम्मे मोहम्मद एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 12, द 1000 रुपी नोट फ्रॉम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश वर्कबुक 4। एज यूजुअल वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने एनालिटिक्स पर नज़र डाल लेते हैं। लास्ट वीडियो तक हमारा वॉच टाइम जो सब्सक्राइबर्स की तरफ से था वो था 12.4%, जो कि इस वीडियो तक इंक्रीज़ होकर 13.8% हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद प्रेयर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। दिस इज़ यूनिट नंबर 12 एंड द नेम ऑफ दिस यूनिट इज़ द 1000 रुपी नोट। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज़ सेक्शन ए, एडवर्ब्स। You know that adverbs tell us something more about a verb. ऐसे words जो हमें verb के बारे में कुछ और चीज़ें बताते हैं या verb को detail में explain करते हैं उनको हम adverbs बोलते हैं। They are formed, इनको बनाया जा सकता है in different ways, कई तरीक़ों से। See page number 20, या page number 20 पे इसकी बहुत सी examples देख सकते हैं। page number 20 से related जो video या जो unit है उसका link आपको description box में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यूजली वी एड एल वाई टू द एडजेक्टिव टू मेक इट एन एडवर्ब। किसी भी एडजेक्टिव के साथ हम एल वाई एड कर देते हैं जिससे वो एडवर्ब बन जाता है। नंबर वन हमें गिवन है, राइट द एडवर्ब्स फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। नीचे हमें 6 एडजेक्टिव्स गिवन है और हमने इनसे एडवर्ब बनाने हैं, इनको कन्वर्ट करना है। रीड कर लेते हैं वर्ड्स को, हैप्पी, कॉन्फिडेंट, एक्सीलेंट, क्विक, फॉर्चुनेट एंड अट्रैक्टिव। जब हमने इनको एडवर्ब्स में चेंज किया तो ये हो जाएंगे हैप्पीली, कॉन्फिडेंटली, एक्सीडेंटली, क्विकली, फॉर्चुनेटली एंड अट्रैक्टिवली। नेक्स्ट इज़ नंबर 2, चूज़ 5 वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट योर ओन सेंटेंसेस। यूज़ ईच वर्ड ट्वाइस। नीचे जो वर्ड्स गिवन हैं उनमें से आपने 5 वर्ड्स चूज़ करने हैं और उनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। हर वर्ड को आपने 2 दफ़ा यूज़ करना है या 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। वंस एज एन एडजेक्टिव, एक दफ़ा आपने उस वर्ड को एज एन एडजेक्टिव यूज़ करना है। एंड वंस एज एन एडवर्ब, और दूसरी दफ़ा आपने उसको एडवर्ब के तौर पे यूज़ करना है। वर्ड्स को रीड कर लेते हैं, डीप, अर्ली, फार, हाई, फास्ट, लो, लेट, लास्ट, नियर, हार्ड, लिटिल एंड मच। एग्जाम्पल हमें गिवन है, द डीप वेल इज़ एम्प्टी। यहाँ पे जो वेल का वर्ड है ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है और सेकेंड सेंटेंस है द वेल वॉज डग डीप, यहाँ पर ये एडवर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। इनमें से 5 वर्ड्स को चूज़ कर लेते हैं, उनके सेंटेंसेस बनाते हैं। ए है द अर्ली बर्ड, एडजेक्टिव, गो टू बेड अर्ली, एडवर्ब। बी है द फार हिल्स, एडजेक्टिव, दे वेंट फार, एडवर्ब। सी है द फास्ट कार, एडजेक्टिव, द कार ट्रेवल्ड फास्ट, एडवर्ब। डी है द हाई रोड, एडजेक्टिव, दे फ्ल्यू हाई, एडवर्ब। ई a hard stone, adjective, worked hard not hardly, it's adverb। इसके बाद हमें नंबर 3 गिवन है, यूज़ दीज एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस इन इंटरेस्टिंग सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। यहाँ पर जो हमें एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस के कुछ वर्ड्स हैं दिए गए हैं, इनको हमने अपने सेंटेंसेज में यूज़ करना है। आफ्टर राइटिंग ईच सेंटेंस, हर जुमले को लिखने के बाद अंडरलाइन द एडवर्ब एंड से विच काइंड इट इज़। हर आपने वर्ड के बारे में बताना है कि ये कौन सी काइंड का है, इस एडवर्ब की टाइप बतानी है आपने। वर्ड्स को रीच कर लेते हैं, ए ऑलरेडी, बी बिलो, सी फाइनली एंड डी नियर बाय। सबसे पहले हम इन एडवर्ब्स की टाइप देख लेते हैं, ऑलरेडी एडवर्ब ऑफ टाइम, बी बिलो एडवर्ब ऑफ प्लेस, सी फाइनली एडवर्ब ऑफ टाइम एंड डी नियर बाय एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके बाद हम बारी बारी इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माय होमवर्क। बिलो, द बुक फेल फ्रॉम द शेल्फ एंड लैंडेड ऑन द फ्लोर बिलो। फाइनली, आई हैव फाइनली पास्ड माय ड्राइविंग टेस्ट। नियर बाय, देयर इज़ अ ग्रोसरी स्टोर नियर बाय। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन बी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल किया जाता है जिन जिन सिचुएशंस में हम इनको इस्तेमाल करते हैं नीचे बताए गए हैं, टू इंडिकेट कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ इन द इमीडिएट पास्ट विद जस्ट, यानी जो अभी अभी काम मुकम्मल हुआ है, बिल्कुल ही माजी करीब जिसको बोलते हैं उर्दू में, तो
तो उसके उसको हम डिफाइन करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं, जस्ट का वर्ड यूज़ करके. एग्जांपल हमें गिवन है, ही हैज़ जस्ट गॉन टू द डॉक्टर, इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 11. नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट. पास्ट में हुए ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जिनका हमें टाइम गिवन नहीं है या फिर उनका टाइम डेफिनेट नहीं है. इसकी एग्जांपल हमें गिवन है, हैव यू रेड द टाइम रनर्स, उमर हैज़ बीन टू कैनेडा. नेक्स्ट है टू इंडिकेट एन एक्शन, ऐसे एक्शन को या ऐसे अमल को जाहिर करने के लिए, बिगनिंग एट सम टाइम, जो किसी वक्त शुरू हुआ एंड कंटिन्यूइंग अप और जारी है टू द प्रेजेंट मोमेंट, इस प्रेजेंट मोमेंट यानी इस लम्हा तक जो अभी लम्हा चल रहा है उस वक्त तक जब वो काम जारी है और वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. एग्जांपल हमें गिवन है, ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट मंथ, यानी लास्ट मंथ वो बीमार हुआ और अभी तक वो बीमार ही है. वी हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years, हम यहाँ 5 साल से रह रहे हैं, यानी 5 साल पहले हम लोग यहाँ आए और अभी तक यहीं पर रह रहे हैं. नेक्स्ट इज नंबर 1, rewrite the sentences in the present perfect tense. हमें कुछ simple tenses दिए गए हैं, इनको हमने present perfect tense में convert करना है. A है Hassan likes to play football. B Sarah eats dinner. C Omar has 2 dogs and 4 cats. D Aslam sleeps for 9 hours. सबसे पहले हम first sentence को convert करेंगे. Hassan has liked to play football. Sarah has eaten dinner. Omar has had 2 dogs and 4 cats. Aslam has slept for 9 hours. Next is number 2. Look at the picture. इस तस्वीरों को देखें. Add the information below. और नीचे जो information दी गई है, write the correct letters in the boxes. हर picture के साथ एक letter given है, A, B और C. इसको हमने correct box में लिखना है. Pictures हम तीनों देख सकते हैं. First statement है, this boy is called Ramiz. He started school in 2012. Next है, this crow is making a big noise. It started crying at 6 o'clock this morning. Or third hai, this man's name is Mr. Tariq. He started watching television 10 minutes ago at 11 o'clock. Samne mein boxes given hai. First hai B, second mein hum likhenge C aur third mein A. Ye jin pictures se relate kar rahe hain, un pictures ka humne jo letter hai, wo iske samne likh dena hai. Iske baad hume given hai number 3, write 2 sentences, 2 jumle likhe hain about each picture, har picture ke bare mein. The first is done for you. Pehle ko hamare liye yahan pe solve kar diya gaya hai. A hai, Mr. Tariq has been watching television for 10 minutes. Ye ek sentence ho gaya. He has been watching television since 11 o'clock. Ye iska dusra sentence hai. Isi tarah hum B ke liye likhenge. Ramiz has been going to school for 7 years. He has been going to school since 2002. See here, this crow has been making a big noise for hours. It has been crying since 6 o'clock in this 6 o'clock this morning. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.